दिल्ली दंगल के नतीजों के बाद अब सबकी नजर गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव पर है। दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की आज मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनावी नतीजों पर कयासबाजी के बीच दोनों राज्यों के आने वाले परिणामों को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं रिवाज रिटर्न्स की दावेदारी है तो कहीं राज बरकरार रखने का दावा। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीटों पर वोटिंग 2 चरण में हुई। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी और इसी के साथ रुझान आने शुरू हो जाएंगे। गुजरात में कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गुजरात में पहले चरण में 60.20% और दूसरे चरण में 64.39% वोटिंग होगी। बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है और अगर इस बार भी सरकार बनती है तो पार्टी पश्चिम बंगाल में CPIM के लगातार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने की और एग्जिट पोल में भी बीजेपी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी की वजह से काफी दिलचस्प हो गया है, जिसने दो बड़े राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। गुजरात के साथ ही सबकी निगाहें हिमाचल की ओर भी है। यहाँ राज कायम रहेगा या रिवाज, क्योंकि हिमाचल की जनता का रिकॉर्ड है यो दोबारा मौका नहीं देती। हिमाचल में 68 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसके लिए 412 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 388 पुरुष और 24 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। हिमाचल के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। CCTV की कड़ी निगरानी में वोटों की गिनती होगी। गुजरात और हिमाचल विधानसभा के साथ ही 5 राज्यों की 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी आज नतीजे आएंगे। यूपी की मैनपुरी और रामपुर में मुलायम और आजम फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं बिहार की 1 सीट पर नतीजे नीतीश की नाक का सवाल बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।